शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदनवन पुलिस स्टेशन अंतर्गत 3 लोगों द्वारा चाकू व तलवार से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार नंदनवन पुलिस स्टेशन अंतर्गत प्लॉट नंबर 44 उमिया कॉलोनी वाठोड़ा रोड निवासी शिवम महेश जायसवाल उम्र 23 अपनी बुलेट गाड़ी क्रमांक MH49BG0932 से कलमना मार्केट जा रहा था। इस दौरान पुलकित खोबरागड़े अमन कारे मोरे पुलकित के मित्र ने मिलकर फिरियादी की गाड़ी का पीछा किया और नंदनवन परिसर के हिवरी नगर EWS कॉलोनी क्वार्टर नंबर 65 माहेश्वरी भवन के सामने पकड़कर पुलकित खोबरागड़े ने गाली गलौज की। काल नंदनवन पुलिस स्टेशन येथे अधिकारी ड्यूटीवर हजर असताना माहिती मिळाली की एका इसमास चाकूने मारहाण झालेली आहे। घटनास्थळी जाऊन शहानिशा केली असता फिर्यादी शिवम जयस्वाल याला अक्षय खोबरागडेचा भाऊ पुलकित खोबरागडे व त्याच्या 2 साथीदाराने मारहाण केलेली आहे। सदर विचारपूस केली असता माहिती पडले की अक्षय खोबरागडे याला फिर्यादीने काही दिवसापूर्वी मारहाण केली होती। त्याच याचे वैमनस्य धरून अक्षय खोबरागडेचा भाऊ पुलकित खोबरागडे व त्याच्या 2 साथीदाराने फिर्यादी मारहाण केली। गुन्हा दाखल आहे, तपास चालू आहे। याआधी फिर्यादीने आरोपीच्या भावाला मारहाण केली, त्याबाबत गुन्हा रजिस्टर। साथ ही पुलकित और अमन ने चाकू व तलवार से शिवम के सिर व कंधे पर प्रहार कर जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच नंदनवन पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।